हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। मेरा नाम लक्ष्मण है, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। हनुमान, 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 हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, ओम हनुमान। आपकी साधना भंग की, इसके लिए क्षमा करें हे महावीर। महाराज सुग्रीव ने आपको किसी आवश्यक कार्यवश बुलवाया है। महाराज सुग्रीव ने बुलाया है? जी, हम स्वयं ही आ गए। महाराज प्रणाम। महाराज सुखी रहो। आपने क्यों कष्ट किया? आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निश्चित किया गया है, विलंब करना हानिकारक होगा। ऐसा कौन सा काम आन पड़ा है? हनुमंत, ऋषिमुख पर्वत के नीचे तराई के वन में दो जन मनुष्य रूप में घूम रहे हैं। तपस्वी वेश और वीरों का बाना है। कुछ संदेह होता है कि बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं। हम पांचों को अवसर पाकर समाप्त करने के लिए आए हैं। तुम हम सब में बलवान हो, इसलिए तुम जाकर उन्हें पकड़ लो और हमारे सामने लाओ। फिर हम बाली के विरुद्ध उनका प्रयोग करेंगे। केवल संदेह में पकड़ लूं? ये कहां की बुद्धिमानी है? वे शत्रु हैं या मित्र, इसका निश्चय तो कर लेना चाहिए। इसका निश्चय भी तुम ही कर सकते हो। जामवन ठीक कहते हैं कि तुम बल और बुद्धि में हम सबसे बढ़कर बलवान हो। तुम कोई छदम रूप धारण करके उनके पास जाओ और पता करो वह कौन है, किस अभिप्राय से आए हैं। जैसा अवसर देखो बुद्धि अथवा बल का प्रयोग करके तुम उनको अपने अधिकार में करो। यदि वह तुम्हारे बस से बाहर हो या कोई भय देखो तुम, हमें गुप्त संकेत कर देना। हम उसी समय ऋषिमुख पर्वत की गुफा को त्याग कर किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाएंगे। महाराज, आपके सेवक के होते हुए आपको भागना पड़े तो हनुमान के जीवन का क्या लाभ? आप निश्चिंत रहें, यदि वो शत्रु पक्ष के हैं, जो भी हैं, देव असुर किन्नर गंधर्व अथवा मनुष्य, मेरे जीते जी वो आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। भैया, लगता है यही है वो दो पर्वत शिखर, परंतु पहले किस पर जाएं? आगे का मार्ग बहुत दुर्गम दिखता है। वो देखो लक्ष्मण, सामने से कोई आ रहा है। देखने में कोई सज्जन विप्र जान पड़ते हैं, आओ इन्हीं से मार्ग पूछें। भैया, मुझे तो ये कोई वेद पाठी पंडित ही लगते हैं, परंतु दुर्गम निर्जन स्थल में ये किस अभिप्राय से आए होंगे? तनिक सावधानी से बात करना भैया, मुझे तो ये असली नहीं दिखाई देते। वह
वन में आने के बाद तुम बहुत शंकालु स्वभाव के हो गए हो लक्ष्मी। अनुभव ही कुछ ऐसे हो रहे हैं भैया। देखिए वो पंडित महाशय हमारी ओर ही चले आ रहे हैं। प्रणाम विप्रश्रेष्ठ। प्रणाम पंडित महाशय। कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। आप कुछ पथ भ्रांत पथिक जान पड़ रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपका अनुमान सत्य है। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। मम अनुमानम सत्यम अस्ति। मम अनुमानम सत्यम अस्ति। क्या आप हमें बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर जाने का मार्ग कौन सा है? किम प्रयोजनम किम प्रयोजनम। इमा नदी शुभ जलाम शोभयंतो तरस्विनो प्रभ्याम पर्वतेन्द्रो सब यु यौरन भाषित। श्रीमंतो रूप संपन्नो वृषभ श्रेष्ठ विक्रमो एवं मा परिभाषतम कस्माद वै नाभि भाषत। हे विप्रश्रेष्ठ, चतुराई के साथ शिष्टाचार युक्त अपने सुमधुर संस्कृत संभाषण द्वारा आप जिस प्रकार हमारे विषय में जानने को जिज्ञासु हो उठे हैं, उससे हम भी विचार में पड़ गए हैं। क्या आप वास्तव में वही हैं जो दिखाई दे रहे हैं? अर्थात? अर्थात ये कि हमारे छोटे से प्रश्न का उत्तर न देकर केवल हमारा भेद जानना चाहते हैं। महानुभाव, आप अपने रस्ते चले जाइए। जब हम यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो ऋषिमुख पर्वत के शिखर तक भी पहुंच ही जाएंगे। रोषम करोति दोषम। तरुण तपस्वी, रोष त्याग कर केवल इतना बता दें, ऋषिमुख पर्वत पर किसके पास जाना है? वर्षों व्यतीत हो गए, इस पथ पर किसी का आगमन नहीं हुआ, आप क्यों लालायित हैं वहां जाने को? हमारे प्रश्न के उत्तर में एक और प्रश्न। भैया इनके चक्कर में मत पड़िए, हम अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे। तुम्हारा कथन सर्वथा निरर्थक नहीं, परंतु हम इनकी पांडित्यपूर्ण वाणी से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। ये अथर्ववेद यजुर्वेद सामवेद के ज्ञाता परम विद्वान जान पड़ते हैं। ऐसे व्याकरण वेद वेदता महात्मा के मन में किसी प्रकार के छल कपट की भावना की संभावना नहीं हो सकती। इनसे मेल करना हमारे हित में होगा। अच्छी बात है, आप कर लीजिए इनसे मेल। बात यह है ब्राह्मण देवता, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर वास करते हैं, हमें उनसे मिलना चाहिए। महाराज सुग्रीव से? वो किसी से नहीं मिलते। आपको कैसे पता? आप उन्हें जानते हैं? अवश्य जानते हैं, अवश्य जानते हैं। सुग्रीवो नामम धर्मात्मा कश्चिद वानर पुंगवा, और हम हैं उनके कुल पुरोहित पंडित केसरी नंदन। कुल पुरोहित? हाँ कुल पुरोहित, हमारी मंत्रणा के बिना वो किसी से नहीं मिलते। सो ये बताइए कि ऋषिमुख पर्वत का पता किसने दिया है आपको? माता शबरी ने। हाँ, माता तपस्विनी शबरी। किम कारणम किम अभिप्रायम? भैया ये पंडित महाशय तो केवल प्रश्न करना ही जानते हैं। मेरा अनुमान है कि इन पंडित महाशय का नाम ही प्रश्नानंद महाराज है। प्रश्न का उत्तर देना तो इनके गुरु ने इन्हें सिखाया ही नहीं। और आप केवल रोष करने में ही प्रवीण हैं, और आप शांताकारम धीर गंभीर हैं। वीर मनुष्यों देव रूपीणों, कृपा करके अपना मंतव्य प्रकट कीजिए। बात यह है विप्रवर, माता शबरी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने बताया है कि इस समय महाराज सुग्रीव से मिलना हमारे लिए कल्याणकारी होगा। यदि आपके कथनानुसार सुग्रीव जी नहीं मिल सकते तो हमें उनके मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए, आपकी असीम अनुकंपा होगी। आप हनुमान से मिलेंगे? अवश्य, उनके दर्शन हो जाएंगे तो सुग्रीव जी से मिलने का साधन भी सुगम हो जाएगा। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। लो इसी क्षण बुला देंगे, जैसे हनुमान इनकी पोथी में बंद है। अवश्य, आप अपना परिचय तो दीजिए, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छी बात है, तो सुनो, हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। राम, श्री रामचंद्र,
आप स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम यही हैं। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। श्री राम, ये क्या कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं। एक तो हम आपके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं, दूसरे आप ब्राह्मण के रूप में हैं, महाराज सुग्रीव के कुल पुरोहित, तीनों प्रकार से आप तो पूजनीय हैं विप्रवर, फिर आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? मुझे पाप लगेगा। स्वामी के चरण छूना पाप नहीं होता प्रभु। परंतु मैं आपका स्वामी नहीं हूं, आपके स्वामी तो महाराज सुग्रीव हैं। स्वामी का मित्र भी स्वामी ही होता है प्रभु, इसलिए आप मेरे स्वामी हैं, वंदनीय हैं। आपने सेवक को उठाकर अपने गले से लगा लिया, यह आपकी महानता है। ऐसे दयालु स्वामी के लिए तो सेवक को प्राण भी निछावर कर देना चाहिए। इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं पंडित महाशय, परंतु अभी तक अपनी पहचान नहीं होने दी, यही कुशल गुप्तचर की निशानी है। लक्ष्मण भैया, अब गुप्त क्या रह गया है, सारे भ्रम दूर हो गए, केवल मन में इतना सा खेद रह गया है। मैं तो जड़मती वानर ठहरा, प्रभु को पहचानने में देर हो गई, किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं, इन्होंने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? हनुमान? तुम हनुमान हो? हाँ भैया, मैं ही चिर सेवक वही हनुमान हूं। प्रभु अपने सेवक को पहचान नहीं सके, इसमें अवश्य मेरा ही दोष होगा। दोष तुम्हारा नहीं हनुमंत, तुम्हारी विद्वत्ता का है। इतने बड़े बड़े संस्कृत के मंत्रों से जो तुम अपने पांडित्य का प्रभाव हम पर जमा रहे थे, हम तो उसी से डर गए भैया। यही तो भूल हो गई प्रभु, जहां भक्त ने प्रभु के सामने अपने ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन किया, वही प्रभु उस पर हंसने लगते हैं कि जाओ अब तुम अपने ज्ञान द्वारा मुझ तक पहुंचो। भगवान, इस भूल के लिए क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे भगवान। नहीं हनुमान, तुमसे तो सपने में भी कभी भूल नहीं हो सकती, तुम तो मुझे लक्ष्मण और भरत के समान ही प्रिय हो। उधर ही बातें करते रहेंगे भैया, इधर भी कृपा दृष्टि डालो। श्री राम के तुम भी सेवक, मैं भी सेवक, इसी नाते अपना छोटा भाई समझकर मुझे गले लगा लो भैया। लक्ष्मण मेरे भाई, आपके लिए मेरा ये जीवन निछावर हो जाए तो भी कम है। प्रभु अपने स्वामी वानरराज सुग्रीव के आदेश से आपका भेद जानने के लिए मुझे अपना रूप बदलना पड़ा। अच्छा, तभी इतने बड़े गुप्तचर बनकर आए थे, अब तो भेद पा लिया, अब तो हमें महाराज सुग्रीव से मिला देंगे भैया। अवश्य लक्ष्मण भैया, अवश्य। आप दोनों का महाराज सुग्रीव से मिलने का अर्थ है उनके भाग्य का उदय। जितनी आपको सुग्रीव की आवश्यकता है, उतनी ही सुग्रीव को भी आपकी सहायता चाहिए। उनकी पत्नी और राज्य उनसे छिन गए हैं। सूर्य कुलभूषण रघुनाथ और सूर्यपुत्र सुग्रीव की मित्रता
दोनों के लिए कल्याणकारी और सफलदायक होगी। चलिए ऋषिमुख पर्वत पर चलिए भगवान, वहीं चलकर सारी बातें होंगी। जिस राजा का तुम जैसा ज्ञानवान, विद्वान और बुद्धिमान मंत्री हो, वो बड़ा भाग्यशाली है। ऐसे राजा से मित्रता करके निश्चय ही सारे मनोरथ सफल होंगे। तुम हमें अपने राजा के पास शीघ्र ले चलो। आप मेरे साथ चलिए, परंतु ऊपर जाने का मार्ग बहुत कठिन है। आप दोनों मेरे कंधों पर विराजमान हो जाएं। कंधे पर? मैं आपको वायु मार्ग से ऊपर ले जाऊंगा। परंतु तुम हम दोनों को अपने कंधे पर कैसे बैठा लोगे? नहीं नहीं लक्ष्मण भैया, आप संकोच न करें। हम लोग अपनी इच्छा से शरीर धारण करने की और गरिमा लगिमा आदि विद्याएं जानते हैं। प्रभु दुर्गम पर्वत मार्ग पे निज से के कांधे पे आन विराजिए। भक्त का मान बढ़ाइए स्वामी। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान। भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान। कांधे पर जो वीर बिठा कर चले वीर नहीं जग में कोई बजरंगी साधनवान। आज नहीं जग में कोई बजरंगी साधनवान। कांधे पर जो वीर बिठा
जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते प्रभु वर से मांगो सदा प्रद सेवा को वरदान प्रभु वर से मांगो सदा प्रद सेवा को वरदान।